सब्सक्राइब कीजिए सुतम फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुतम और आप देख रहे हैं सुतम फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। तो कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे लाइटिंग कंडीशन बहुत ही खराब है। अगर लाइटिंग कंडीशन बहुत डार्क है तो फेस ऑटोमेटिकली डार्क आ जाएगा। अगर लाइटिंग कंडीशन बहुत ब्राइट है तो फेस ऑटोमेटिकली ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो इसको हम प्रीमियर प्रो में कैसे फिक्स करेंगे, तो इस वीडियो में वही हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो का शुरू में मैं जो इंट्रो दिया था इस वीडियो के बारे में, वही क्लिप में मैंने लिया है आपको प्रोसेस दिखाने के लिए। ये देखिए वो क्लिप है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे, ओके। इसका करेक्शन करेंगे, एक्सपोजर करेक्शन करेंगे, कलर करेक्शन करेंगे, ओके। तो फेस को ब्राइट करेंगे, ओके, क्योंकि ये डार्क है। तो सिंपली क्या करना है आपको, पहले कलर टैब में जाना है, ओके। उसके बाद पहले देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, इस वीडियो क्लिप में इसका एक्सपोजर बहुत ही कम है। तो सिंपली एक्सपोजर बढ़ाना है, एक्सपोजर इंक्रीज करना है। तो एक्सपोजर इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। ये देखिए अभी फिक्स हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सपोजर डिक्रीज करूँगा तो देखिए, एक चीज़ देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि फेस को फिक्स करना, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का भी एक्सपोजर चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड डार्क होगा और फेस ब्राइट होगा, ओके। एक अलग से इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपली ये दोनों को सेपरेट करना होगा और सेपरेट सेपरेट इफेक्ट देना होगा। तो पहले जो बेस करेक्शन है, बेस करेक्शन कर लेता हूँ, बेस 3.5, ओके, एक्सपोजर 3.5, इतना तक ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से इतना तक ठीक। तो अभी क्या करना है, ये जो बेस लेयर है, वीडियो लेयर है, इसको दो कॉपी कर लेता हूँ, ओके। ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसके ऊपर ड्रैग कर दूँगा, फिर से और एक बार ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर दूँगा, ओके। तो ये वाला जो लेयर है, इसको इसका कोई काम नहीं है, जस्ट आपको बिफोर आफ्टर दिखाने के लिए ये क्रिएट किया है। तो इसको अप कर देता हूँ, ओके। अभी क्या करना है हम लोगों को, ये देखिए, ये मान लीजिए इसका ये लेयर को मैं फेस के ऊपर इफेक्ट दूंगा, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, इसको इफेक्ट मेनू में जाएंगे, ओके, और फेस को मास्क करेंगे। तो इधर देखिए ओपासिटी, ओपासिटी के अंदर तीनों टूल है, आप जो भी चाहे तो चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी ये इलेप्टिकल टूल ले रहा हूँ, ओके, और अभी सिर्फ फेस के ऊपर डालूँगा, ओके। और ये जो कर्सर है इसको एकदम स्टार्टिंग में रखूँगा और उसके बाद ये बटन आपको दबाना होगा, क्योंकि ये फेस जैसे जैसे मूवमेंट होगा ये इलिप्टिकल टूल भी उसको ट्रैक करेंगे, ओके। तो देखते हैं, इसको क्लिक करना है, ओके, देखिए ट्रैकिंग हो रहा है। अभी देखिए फेस के साथ साथ ये राउंड भी मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो ट्रैक हो गया। अभी इसका काम क्या है देखिए, पहले ये सेकेंड लेयर को ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये ओनली फेस को सिलेक्ट किया है, इधर जो इफेक्ट देंगे वही होगा और बाकी जो पार्ट है इस पार्ट में वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले इसको इफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए फेस को, तो कलर टैब में जाएंगे, फेस को और एक्सपोजर नहीं चाहिए, इतना तक ठीक है, 3.8। अगर थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ओके।
40 इज ओके। फेस का वाइट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा, और ब्लैक पार्ट को थोड़ा सा ब्लैक को डिक्रीज कर देता हूँ, ओके, थोड़ा सा, इतना तक ठीक है। इसको जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर को 4 किया है, ओके, 4 नहीं 3 किया है, ओके, इतना तक ठीक है। अभी क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि फेस ठीक है, अभी ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ, ओके, तो बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे सिंपली, और कलर टैब में जाएंगे, अभी इसका एक्सपोजर डाउन करेंगे, ओके ओके, मान लीजिए 0, ठीक है, और ये थोड़ा सा मैट टाइप लग रहा है, तो इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके, एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना तक ठीक है। और इसका हाईलाइट थोड़ा सा, हाईलाइट छोड़िए, वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, और ब्लैक को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, ओके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना तक ठीक है। अभी देखिए ये जो मास्क है, ये एक्चुअली एक मास्क है, लेकिन ये पूरा सेपरेट कर रहा है फेस को और बैकग्राउंड को, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको स्मूथ करने के लिए, ये जो ट्रांजिशन है इसको स्मूथ करने के लिए सिंपली इसका फेदर इंक्रीज करेंगे, ओके, तो फेस वाला लेयर सिलेक्ट करूँगा, अभी इफेक्ट में जाऊँगा, और ये देखिए मास्क फेदर, ओके, इसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर दीजिए, मान लीजिए 350। अभी देखिए आपको कोई सेपरेशन नहीं दिख रहा है, ओके, तो आई थिंक दिस इज ठीक है। और सेकेंड लेयर का एक्सपोजर, जो बैकग्राउंड लेयर, इसका थोड़ा सा बढ़ाना है, नहीं तो पूरा ऑड लग रहा है, तो कलर टैब में जाएंगे, सेकेंड लेयर चूज करेंगे, और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना है, इतना तक 1.5 इज ओके, ओके। तो अभी देखिए, ये देखिए, ये पहले था और अभी ऐसा है, ओके, देखिए ये पहले था और अभी ऐसा है। तो ये प्रोसेस यूज़ करके आप बैकग्राउंड का कलर सैचुरेशन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, फेस का भी सेम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं, जितना सारे है आप इधर देखिए, कलर व्हील, कलर मैच, ये सब जितना आपको चाहिए, जो जो आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए आप पूरा कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो ये वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जब नया नया वीडियो अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।